तीन मूवी का एक साथ रिव्यू करने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आई नो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से। खैर, मूवीज की बात करते हैं। पहली मूवी है शिवम राजकुमार जी की, जो कि गोस्ट मूवी है। पैन इंडिया लेवल पे मूवी रिलीज हुई है, लेकिन उसको 3 स्क्रीन मिली है, जिसकी स्टोरी, एक्टिंग और मतलब सिनेमेटिक लवर्स के लिए वो हाई लेवल की चीज है। तो उनके लिए वो मतलब सिर्फ 3 ही स्क्रीन में है यार, ये तो मतलब बात नहीं बनी। इनजस्टिस सा हुआ, जिसमें आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेंगे और पूरा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो शिवम राजकुमार जी ने नई चीजें की हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है कि यार ये मूवी कहाँ लगेगी, अब मैं कहाँ इसका शो देखूं। तो यार ये बात तो थोड़ी मतलब हजम सी नहीं हुई। वो बेचारे आए भी उसका प्रमोशन करने के लिए, लेकिन उनके प्रमोशन करने के बावजूद भी इतनी स्क्रीन कम मिलना यार इनजस्टिस है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, ये मूवी आप देखने जरूर जाओ, पूरी फैमिली के साथ जाओ, आपको अलग लेवल का और नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, और क्लाइमेक्स देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां गणपत और यारिया जैसी मूवीज को भरपूर स्क्रीन्स मिली है। चलो खैर, अब बात करते हैं गणपत मूवी की। जब मैं गणपत मूवी देखने जा रहा था तो इतनी लंबी लाइन थी, मैं पागल हो गया कि भैया इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अब मैं पहुंचूंगा कैसे मूवी देखने के लिए, मैं तो लेट हो जाऊंगा। लेकिन मैं लाइन में लगा 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 तो बाद में पता चला कि वो तो किसी बस के लिए लाइन लगी हुई है। खैर, जो मूवी देखने के लिए वहां पे तो कोई है ही नहीं है, बहुत गंदा जोक था। खैर, बात करते हैं मूवी की। मूवी तो उससे भी गंदी है। खैर, इन्होंने पहले बोला था कि पहली डिस्टोपियन मूवी होने वाली है बॉलीवुड की, लेकिन भैया आप इसे मतलब आखिरी कर दो, इसके बाद कुछ ऐसा ट्राई मत करना और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मत लेके आना जो कि मतलब है ही नहीं। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी जैसा सुना ही ना हो। कॉन्सेप्ट आपका मैं बता देता हूँ, स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस आपको बताऊंगा कि क्या है कि अमीर एक ऐसी वोर होती है कि जिससे अमीर और गरीब आपस में बढ़ जाते हैं, उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। गरीब है जो बेचारे खाने के लिए पीने के लिए मर रहे हैं, लेकिन अमीर अपनी ऐश आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और वो एक गेम बनाते हैं जिसके थ्रू उनको लगता है कि उनका कोई हीरो आएगा जो इसके मतलब वो जो बड़ी दीवार खड़ी होगी है गरीबों और अमीरों के बीच में, वो तोड़ के उनको इक्वल लेके आएगा। लेकिन मतलब जो भी आपको मूवी में वो देखने को पता चल जाएगा, जो कि गणपत है हमारा, पहले बहुत शरीफ सा रहता है, बाद में वो फाइटिंग वगैरह सीख जाता है तो कूल डूड हो जाता है और सबको मारता है, उड़ के छे छे लाते मारता है, ऐसी चीजें चल रही है। खैर, उसमें मतलब एक सीन तो देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि कृति सेनन को इंजेक्शन लगा के बेहोश करने वाला स्क्रीन है, उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन उन्होंने वैसी की वैसी रहने दी कि भैया क्या है मूवी देखने तो शायद कोई आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो क्या क्या ही नोटिस करेंगे। मतलब 350 करोड़ लगाया और इतने बड़े लेवल पे आप मूवी देख रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो, खैर क्या ही कर सकते हैं। और हमारे जो डायगे श्रोक जी है वो जैसा करते हैं अपना करेक्टर, उन्होंने वैसा ही निभाया है। कृति सेनन ने भी मतलब अच्छा किया है इसमें, अपने जो है पोटेंशियल पूरा डाल दिया, लेकिन जब स्टोरी में दम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। बस एक अमिताभ बच्चन जी थे जिन्होंने स्क्रीन के साथ बांधे रखा, मतलब कोशिश की, लेकिन जब स्टोरी ही वैसी नहीं है तो वो भी अकेले क्या कर लेंगे। लेकिन जो विलन का लुक था और जो विलन को दिखाने का तरीका था वो थोड़ा यूनिक था। खैर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मूवी आप ना भी देखने जाओगे तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं यारिया मूवी का। भैया ये मूवी बनाने का मुझे नहीं समझ में आया, मतलब क्या था आप प्रमोशन उसका सोशल मीडिया पे ऐसे कर रहे हो कि भैया ये अलग ही लेवल है और अलग ही आपको फील दे देंगे, लेकिन जब आप देखने जाते हो तो भैया ऐसा लगता है कि कब मूवी खत्म होगी, कब मैं यहाँ से निकलूंगा और कब मैं जाऊँगा। मतलब इतनी क्या मतलब कुछ भी कहीं भी किसी का भी सीन कुछ भी जोड़ दिया और कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी मैं यही कहूंगा कि आप इसे OTT पे आने का इंतजार कर लो, गणपत और ये यार ये टूका, तो वहां पे अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो वहां पे आप कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ और आप प्लीज माफ भी कर देना। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मतलब जल्दी ही बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।